मेरे दोस्त, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो। हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया हो और आप सब लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी जो बढ़िया चल रही होगी दोस्त, ठीक है। तो आज का डेली रूटीन शूट करते हैं अभी से। टाइम हो चुका है 7:40 और 6:30 के करीबन मैं उठा था, ठीक है। रात लेट में सोया, 2 बजे के करीबन सोया था मैं, ठीक है। तो 6:30 उठा, उसके बाद आधा घंटा दौड़ने में लग गया ऐसे, ठीक है। और फिर अभी मैंने एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। बाकी यार आप लोगों को बता देता हूँ, मोनेटाइजेशन के लिए केवल 200 हावर और चाहिए वॉच टाइम, ठीक है। और फिर उसके बाद कंप्लीट मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ चैनल को, ठीक है। बताऊँगा आप लोगों को जब मोनेटाइज हो जाएगा चैनल। तो चलो फिर चलते हैं नीचे रूम पे और कंटिन्यू करते हैं अपना आज का रूटीन, ठीक है दोस्तों। और आप सभी लोगों को एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग और हैव अ नाइस डे मेरे ऑल फ्रेंड्स। तो यार भाई लोगों, 5 बजे के करीबन मैं चल पड़ा पार्क की तरफ, क्योंकि इस 4 दीवारी के बंद कमरे में रह के मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी, क्योंकि सुबह से मॉर्निंग से दरवाजे बंद ही थे। मैं बंद इसलिए रखता हूँ दरवाजे, क्योंकि बाहर से आवाज़ आती है तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं दरवाज़ा बंद ही रखते, ठीक है। तो मैं पार्क गया क्योंकि पार्क में जाके थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है, अच्छे से अपने चारों तरफ हरियाली देखो, पेड़ पौधे देखो, तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज भी करनी थी, तो अभी तो बहुत सारे लोग थे, वैसे सबके साथ करने में मज़ा आता है, ठीक है। जब मैं घर आ गया तो मैं भूल चुका था कि मुझे ब्लॉग शूट करना है, ठीक है। तो मैं आपको नहीं दिखा पाया, मैंने डिनर वगैरह बनाया और उसके बाद मैं अपने स्टडी में बैठ गया था, ठीक है। 11:30 बजे के करीबन मैंने कैमरा ओपन किया फिर से अपनी ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है। और आज तो नींद बहुत ज़्यादा जल्दी आ चुकी थी, तो 12:15 बजे के करीबन मैंने अपनी बुकें बंद कर दी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था, ठीक है। और उसी के जस्ट बाद याद आया कि भाई पानी भी भरना है, तो पानी भी आ चुका था, पानी आने की टाइमिंग भी बिल्कुल वही थी, ठीक है। तो 2 बजे तक तो भाई पानी ही भरा, क्योंकि बाहर पर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आप खुद की बारी लगानी तो बाहर पर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैंने मोबाइल से ही पढ़ा, जितना हो सका मेरे से उतना मैंने पढ़ा 2 बजे तक, ठीक है। और 2 बजे के बाद फिर मैं सो गया था। तो यार दोस्तों, इसी तरह से अपना डेली रूटीन चल रहा है, ठीक है। बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि अभी वक्त बहुत ज़्यादा कम है, 1 वीक बचा है, जितना टाइम फ्री है उतना पढ़िए दोस्त, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। ओके, थैंक यू।